अगर आपकी भी रील्स पे व्यूज नहीं आते हैं, वो वायरल नहीं होती है और आपको बहुत टाइम हो चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में पोस्ट करा था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको अपना अकाउंट बनाए कितने दिन हो गए। तो वहाँ पे 57% से भी ज्यादा लोगों ने बोला कि 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। और फिर उसके कुछ दिन बाद मैंने एक और पोस्ट करा, जिसमें मैंने आपसे पूछा कि आपके व्यूज कितने आते हैं। 82% लोगों ने बोला कि 1000 व्यूज। इसमें से कुछ लोगों के कम भी आ रहे होंगे और किसी के स्टिक हो चुके हैं, मतलब इतने तो इतने, उससे ज्यादा आते ही नहीं है। तो यार ये प्रॉब्लम कोई नॉर्मल नहीं है। अगर आपने किसी चीज में इतना वक्त दिया है और इतना वक्त देने के बाद भी अगर व्यूज नहीं आते हैं, आपका अकाउंट ग्रो नहीं होता है, तो यार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत आपके अकाउंट के अंदर नहीं है, आपके कॉन्टेंट में है। अकाउंट में सिर्फ दो दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट ये कि अगर आपने अपना अकाउंट बहुत साल पहले बनाया है और आप अपनी रील को अपलोड कुछ साल बाद करने लगे, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके अकाउंट को रीच ना मिल रहे हो और आपके व्यूज ना आ रहे हो। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ कुछ करा हो, कुछ गलत कमेंट किया हो किसी वीडियो में, या फिर कुछ गलत पोस्ट करा हो, तो आपको पता होगा कि स्ट्राइक आती है हमारे प्रोफाइल में। लेकिन गाइस मुझे पता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें से ज्यादातर लोगों के ये प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये दोनों प्रॉब्लम आपके अकाउंट के अंदर नहीं है, तो गाइस समझ जाओ प्रॉब्लम आपके कॉन्टेंट के अंदर है। पता है एक रील को वायरल करने के लिए सबसे खतरनाक क्या मैटर करता है? आपका कंटेंट, राइट? 80% आपका कंटेंट मैटर करता है एंड 20% में ये सारी चीजें आती है, जैसे कि आपका ट्रेंडिंग साउंड हो गया, आपका कैप्शन, हैशटैग्स, अपलोड टाइमिंग, ये सारी चीजें हैं जो 20% में आती है। ये सभी 20% ही मैटर करती है। लेकिन आज तक मैंने किसी वीडियो में आपको ये नहीं बताया कि जो 80% कंटेंट मैटर करता है, इसको बनाने के रूल्स क्या है, कंटेंट को बनाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी हमें अप्लाई करनी चाहिए जिससे हमारे व्यूज आए और हमारा अकाउंट जल्दी से ग्रो करे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8 स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिसमें से अगर कोई भी बंदा 4-5 भी ढंग से अप्लाई कर लेता है, सिर्फ कुछ ही वीडियोस में उसका अकाउंट ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पर आती है हमारी सबसे फर्स्ट स्ट्रेटजी। पता है बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, उनको आज कोई और पसंद आ रहा है, कल कोई और आ रहा है, अरे आज इसने ये ट्रेंडिंग साउंड यूज किया, इस बंदे ने ये हैशटैग लगाया, अरे ये बंदा तो इस टाइम अपलोड करता है। अगर आप लोग भी ये सब कुछ कर रहे हो तो यार रुक जाओ, कुछ मतलब नहीं है। आप ना किसी एक स्ट्रेटजी पे ठहर पा रहे हो और ना ही खुद की स्ट्रेटजी क्रिएट कर पा रहे हो। देखो दो चीजें हैं, या तो अपने खुद की स्ट्रेटजी बना लो कि मैं इस टाइम अपलोड करूंगा, ऐसे हैशटैग यूज करूंगा, ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, ये खुद की बना लो। या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि कोई एक बंदा पकड़ लो और उसकी ही स्ट्रेटजी अप्लाई करो। इसका बेस्ट तरीका ये होगा कि आप अपनी सर्च हिस्ट्री में जाओ, वहां पर कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जिसको आप लिटरली सर्च करके देखते हो, उसको डेली सर्च करके उसकी वीडियोस का वेट करते हो, उसके कंटेंट को देखते हो। इसका मतलब उसका कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो हो सकता है कि उसकी जो बनाने की स्ट्रेटजी होगी वो भी आपको पसंद आती होगी। लेकिन बार बार चेंज मत करो। आपको पता है ये होता क्यों है? जब हमारी रील्स वीडियो पे व्यूज नहीं आते हैं, तब हम चेंज करते रहते हैं। आपको पता नहीं है कि उस स्ट्रेटजी को कब तक अप्लाई करना है। आप हर रील में किसी ना किसी दूसरे बंदे की स्ट्रेटजी अप्लाई किए जा रहे हो। आपको एक टाइम फ्रेम पता होना चाहिए कि चाहे कोई भी स्ट्रेटजी हो किसी भी बंदे की या फिर आपकी खुद की क्यों ना हो, उसको कम से कम आपको 1 मंथ तक अप्लाई करना है। और 1 मंथ के अंदर आपको ना व्यूज देखना है, ना फॉलोवर्स, ना अकाउंट की ग्रोथ, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करो। और अप्लाई करने के बाद भी अगर आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तब जाके आपको किसी और स्ट्रेटजी को अप्लाई करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। उसके बाद आती है सेकेंड स्ट्रेटजी। तो आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम पर हर रोज नया ट्रेंड आता है, कोई ट्रेंडिंग साउंड हो सकता है या कोई भी कैसा भी ट्रेंड आता है, आपको पता है। तो आपको ना इन सबको यूज करना है। जब तक आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो जाता, आपकी वीडियो पे अगर व्यूज नहीं आ रहे हैं ना, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जल्दी से व्यूज लाने का, अकाउंट ग्रो करने का। इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। आप लोग जैसा भी कंटेंट बनाते हो, जिस भी कैटेगरी में, आपको देखना है कि मैं इसको अपने कंटेंट में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, इस ट्रेंड को मैं अपने अकॉर्डिंग कैसे यूज कर सकता हूँ। देखो इससे होगा क्या पता है, जब आपकी किसी एक ट्रेंड पे वीडियो वायरल हो जाएगी, तब आपके कुछ फॉलोअर्स आ जाएंगे जो आपकी दूसरी वीडियो जरूर देखेंगे, अगर आपके कंटेंट में दम होगा तो। देखो ट्रेंड का मतलब आप ट्रेंडिंग साउंड को भी यूज कर सकते हो, लेकिन ट्रेंडिंग साउंड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि ऐसे बहुत कम साउंड ही होते हैं जिसको हर कोई यूज करता है। जैसे कि अभी ये साउंड अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसको हर कोई बंदा किसी भी कैटेगरी का इसको यूज कर पा रहा है। किसी भी तरीके की कैटेगरी हो, इस साउंड को हर कोई यूज कर रहा है। और कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, सभी एक तरीके से बना रहे हैं, तो आप भी बना सकते हो। अगर आप ऐसे ट्रेंडिंग साउंड को यूज करोगे ना, लिटरली बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं।
जाते हैं, 10 मिलियन से भी ऊपर लोगों के व्यूज आ रहे हैं, जिनका प्रोफाइल नया है ना उनके भी मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे ट्रेंडिंग साउंड को यूज करने से। तो ऐसे साउंड हर रोज नहीं आते हैं। देखो ट्रेंडिंग साउंड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसे साउंड बहुत कम आते हैं जिनको हर कोई बंदा यूज करता है। उसके बाद जो हमारी थर्ड नंबर स्ट्रेटजी है वो है गेम स्ट्रेटजी। गाइस आपको पता होगा जब भी हम कोई भी गेम्स खेलते हैं तो उसमें लेवल होते हैं, सभी गेम में अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो जैसे ही हम फर्स्ट लेवल को कम्प्लीट करते हैं तब सेकेंड लेवल उससे हार्ड होता है, उससे थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, कुछ अलग होता है उसमें। जैसे जैसे उस गेम का लेवल बढ़ते जाता है वो थोड़ा हार्ड होता जाता है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है उसमें। तो ये सेम स्ट्रेटजी आपको अपने प्रोफाइल के अंदर अप्लाई करनी है। आपका प्रोफाइल और आपकी कैटेगरी, आपका गेम और आपकी जो रील्स है वो हो गए आपके लेवल्स। आप जो अपनी फर्स्ट रील के अंदर जो भी कुछ करोगे वो सेकंड रील के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर जो भी एडिटिंग की थी, जैसा भी शूट किया था, कुछ भी किया था, वो सेकंड रील के अंदर नहीं होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। उसके बाद जो वीडियो बनाओगे थर्ड नंबर, उसमें भी कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। मतलब एक गेम की तरह आपको वीडियो बनानी है। ये बस आपको तब तक करना है जब तक आपकी कोई एक रील वायरल नहीं हो जाती है। अगर आप लोग चाहो तो हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ अलग कर सकते हो, लेकिन पता है ये कब होगा? जिन्होंने अपनी इंटरेस्ट की कैटेगरी को सेलेक्ट किया होगा। क्योंकि जो भी बंदा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी बनाता है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाता है जो उसको बनाना अच्छा लगता है, तो सिर्फ वही बंदा कुछ ना कुछ अलग कर सकता है, उसके दिमाग में ही आइडियाज आते हैं। लेकिन अगर आप हर वीडियो के अंदर कुछ अलग नहीं कर सकते तो मैंने आपको बता दिया है, जो भी आपकी वीडियो वायरल हो जाए आपको पता चल जाएगा कि अब से मुझे ऐसे ही वीडियोस और बनानी है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ऐसी वीडियो वायरल हुई है मेरे प्रोफाइल के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको हर वक्त ऐसी ही वीडियोस बनानी है, आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो अलग करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार आपकी ऑडियंस बोर हो गई आपके कंटेंट से तो आपको पता ही होगा कि आजकल लोग अनफॉलो कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला रूल है, इम्प्रूव योर प्रोफाइल। देखो गाइस वैसे तो ये सभी मैटर नहीं करता कि आपने अपना प्रोफाइल पिक्चर कैसे यूज किया है, मतलब आपने अपने प्रोफाइल को किस तरीके से कस्टमाइज किया हुआ है, ये इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन आपको इसको भी टाइम टू टाइम चेंज करना है। चेंज करने का मतलब कुछ ना कुछ बदलते रहना है, उसमें कुछ ऐड करते जाना है। इससे आपकी ऑडियंस को ये लगता है कि आप अपने प्रोफाइल को लेकर सीरियस हो, आप एक्टिव हो, कितना आप लोग अपनी ऑडियंस को इंगेज रख पा रहे हो, ये भी मैटर करता है। इतना नहीं करता लेकिन आपको इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और मैं इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इस पे भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आती है अगली स्ट्रेटजी। गाइस जितने भी टॉप क्रिएटर होते हैं, जितने भी टॉप इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनमें एक चीज ऐसी होती है ना जो अलग होती है। सबके अंदर कोई एक ना एक चीज अलग होती ही है। आपके ही कैटेगरी में या फिर किसी भी कैटेगरी में आपको देखना है, जो भी कंटेंट बनाते हैं, जो टॉप में होते हैं ना, वो बंदा किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। उसकी एक चीज बहुत ज्यादा अलग है जिसकी वजह से उसको इतने सारे लोग देखते हैं, उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। अब वो चीज क्या है वो आपको ढूंढनी है। देखो वो क्या हो सकती है, वो एडिटिंग हो सकती है, उसके शूट करने का तरीका हो सकता है, उसकी एक्टिंग हो सकती है, उसका टॉपिक हो सकता है। इन सभी में से किसी एक चीज में वो बंदा बहुत ही परफेक्ट होगा। देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। तो यहाँ पर इस प्रोफाइल को देखो, ये बंदा एक रोस्टर है। तो आपको पता ही होगा कि कितने सारे लोग है जो रोस्ट वीडियोज बनाते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन इस बंदे में ऐसा क्या खास है, इसका रोस्ट करने का तरीका अलग है। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर एक और ये प्रोफाइल है। इस बंदे में जो सबसे अलग चीज है जो मुझे लगता है, इसका टॉपिक सिलेक्शन बहुत अच्छा है। मतलब वीडियो बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस बंदे का सबसे नेक्स्ट लेवल है, जिसकी वजह से इसकी वीडियो वायरल भी हो रही है, बहुत ज्यादा व्यूज भी आ रहे हैं। तो ऐसे आप कई सारे क्रिएटर को देख सकते हो जिनमें कोई एक चीज पे वो बहुत परफेक्ट होगा, चाहे वो एडिटिंग में हो, उसका शूट करने का तरीका हो, उसका टॉपिक हो, उसका ट्रेंडिंग साउंड सिलेक्शन हो, वीडियोस बनाने का तरीका हो, मतलब कि वो कुछ भी हो सकता है। और किसी एक पे वो बहुत ज्यादा परफेक्ट होगा तभी उसकी वीडियोस पे व्यूज आते हैं। तो आप भी अपने अंदर देखो कि आप ऐसा क्या अलग कर सकते हो, किस में आप बेस्ट हो, क्या आप एडिटिंग में बेस्ट हो, क्या आप शूट अच्छे से करते हो। तो आपको कोई एक चीज पता लगेगी, अब आपको उसको सीखना है। जस्ट एग्जाम्पल, आप एडिटिंग बहुत अच्छी करते हो तो अब आपका सबसे ज्यादा फोकस एडिटिंग के ऊपर होना चाहिए। देखो अगर आप ये चीज करोगे ना तभी आपको बंदे देखने वाले हैं, तभी आपकी वीडियोस पे व्यूज आएंगे। बस किसी एक चीज में परफेक्ट हो जाओ इतनी खतरनाक तरीके से कि बंदे मतलब आपको बोलेंगे भाई तू ये चीज बहुत अच्छी करता है। उसके बाद सबसे लास्ट में पॉइंट आता है, इंजॉय योर प्रोसेस।
ये मैंने अभी आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं इन सभी को आपको पॉजिटिव तरीके से अप्लाई करना है। जितनी भी स्ट्रेटजी बताई है इनको एक महीने तक अप्लाई करो। देखो आप लोग कुछ दिन तक व्यूज मत देखो, फॉलोअर्स मत देखो, कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, कितनी रीच मिल रही है आपके अकाउंट को, ये सारी चीजें स्टार्टिंग में मत देखो। जब तक वो स्ट्रेटजी आप एक महीने तक अप्लाई नहीं कर लेते ये सारी चीजें आपको नहीं देखनी है। सिर्फ आपको अपने कॉन्टेंट पे फोकस करना है कि आप आने वाली हर वीडियो में क्या अलग कर सकते हो, कैसे आपको कॉन्टेंट बनाना है, कैसा टॉपिक होगा, ये सारी चीजों पे पहले फोकस करो। उसके बाद कोई ना कोई आपकी वीडियो जरूर वायरल होगी। और अगर फिर भी व्यूज नहीं आते हैं तो देखो व्यूज क्यों नहीं आ रहे, प्रॉब्लम को ढूंढो कि क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से व्यूज नहीं आ रहे, ये सारी चीजें देखो और उसके बाद इसको दूसरी वीडियो में सॉल्व करो। और जितना हो सके मेरी सभी वीडियोस को देखो क्योंकि हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ मैं अलग बताता हूँ आपको जिससे आपके अकाउंट ग्रो होने में आपकी हेल्प हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट करो। और आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।